हेलो दोस्तों, तो आपकी वीक 16 के ज्योग्राफी प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स। तो यूजली क्या होता है, हम जेनेरिक वे में चीज़ें पढ़ लेते हैं बट हम ट्रांस हिमालयाज को अलग से स्टडी नहीं करते, राइट? तो पहली चीज़ आप क्या करोगे, यू विल गो बैक टू योर एनसीईआरटीज एंड यू कैन स्टडी अबाउट ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम देयर, ठीक है? यहाँ पे तीन माउंटेन रेंजेस आपको दी हुई हैं, जस्कर, कैलाश एंड कराकोरम, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये रेंजेस ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स का पार्ट है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल थ्री आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स। टू एड टू दिस इंफॉर्मेशन, टोटली चार ऐसी रेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम एंड कैलाश। ये चारों ही आपकी ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बियॉन्ड ट्रॉपिक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ माउंटेन विल बी। थोड़ा सा ना टीडियस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। देखो सवाल क्या कह रहा है कि मान लो दिस इज अर्थ, तो बियॉन्ड ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद एनी साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ माउंटेन विल बी। अब यहाँ पे ना इमेजिन करना जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है, राइट? व्हेन आई इमेजिन अ माउंटेन, मैं ना एक इस तरह से कुछ व्यू कर लेती हूँ उसको। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? दिस इज हाउ आई एम सपोज टू व्यू थिंग्स, राइट? कि ये इसका माउंटेन का नॉर्दर्न स्लोप है और ये उसका सदर्न स्लोप है, ठीक है? तो क्या होगा आपका क्वेश्चन अगेन, अगर इसी स्लोप को मैं सदर्न हेमिस्फीयर में बनाऊं, ठीक है? सो दिस विल बी योर नॉर्दर्न साइड ऑफ द माउंटेन एंड दिस विल बी योर सदर्न साइड ऑफ द माउंटेन। अब मुझे ये पता है कि सन सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ओवरहेड रहता है, इसके बाद तो सन की सिर्फ स्लांटिंग रेज जाती है, सन इनमें डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होता, ठीक है? तो इसके बाद जो भी रेज जाएंगी, सबसे पहली बात, हमेशा ही स्लांटिंग होगी, ओवरहेड नहीं होगी, ये चीज़ आपको पता है। अगर आप पीसीएम मैच के हो तो इसका आपको आंसर डायरेक्टली आना चाहिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर beyond the tropics the south facing of slope of the mountain will get more sunlight, ठीक है? क्योंकि मान लो कि सन यहाँ भी है तो obviously इस वाली अगर आप एंगल देखो तो यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी, rather इस पॉइंट पर सनलाइट कम आएगी। अब एक क्वेश्चन अगर आपको सदर्न हेमिस्फेयर के लिए दिया होता ना, तो सदर्न हेमिस्फेयर पर ऑब्वियसली नॉर्दर्न साइड ऑफ द माउंटेन वुड हैव गॉट मोर सनलाइट, और जो सदर्न साइड है वो दूसरी डायरेक्शन में होती है, दैट वुड हैव बीन एक्सपोज टू लेसर सनलाइट। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने जरूरी हैं। दोबारा बता रही हूँ, देखो, सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स से यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है, सो दिस इज नॉर्थ साइड ऑफ द माउंटेन, दिस इज साउथ, दिस इज अगेन नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है? तो जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो सन की रेस ऑब्वियसली सदर्न साइड पे ज्यादा होंगी, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका साउथ साइड या साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ द माउंटेन है दैट विल हैव मोर सनलाइट, और जो सदर्न साइड की आप बात करोगे वहां पे द स्लांटिंग रेज वुड गो मोर टू द नॉर्दर्न साइड, ठीक है? तो ये चीज आपने बहुत ही ध्यान से याद रखनी है। कभी कभी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और ये किसी भी बुक में बहुत डायरेक्टली लिखे नहीं होते, स्पेसिफिकली इन योर एनसीईआरटी नो वेयर इट इज मेंशनड, बट हाँ दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटवीन विच टू स्टेट्स पाल घाट और पाल गैप पर सिचुएटेड। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर मैं आई नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट बिकॉज बहुत ही फैक्चुअल डेटा, बट आप इसको याद कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इट, आप इसको मैप में मार्क कर सकते हो। तो द स्टेट्स वुड बी योर केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है? तो ये दोनों की दोनों आपने ऐसा का ऐसा याद रखनी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स, ठीक है? सो दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन जिसपे अगर आपको एक दो पॉइंट्स भी आते हैं आप उसका आंसर कैसे डिराइव कर सकते हो उसकी बात करेंगे हम, ठीक है? तो ये कह रहे हैं, दे आर अपर एयर वेस्टलीज गिविंग राइज टू फास्ट मूविंग अपर एयर वेव्स। नेक्स्ट चीज कहता है कि इनकी वेलोसिटीज अप टू 250 नॉट्स होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे डेवलप जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज, राइट? तो अगर आप पीसीएम मैच में हो, मैंने वहां पे काफी बार हमेशा ही आपकी सारी चीजों को ट्रोपोपॉज पे ही रोक दिया है, राइट? बिकॉज ये सारे फिनोमेनाज जो हैं ये ट्रोपोपॉज तक होते हैं, यानी कि ट्रोपोपॉज के नीचे, ट्रोपोपॉज के ऊपर ये फिनोमेनाज नहीं होते, राइट? तो यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए कि जिन जिन में ऑप्शन थ्री है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपके तीनों ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएंगे, योर आंसर वुड बी नन, ठीक है? तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जहां पे एक ऑप्शन भी अगर आपको आता है तो आपके आंसर्स इजीली आ जाते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ आवर,
ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपको तीनों ही याद करने हैं सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू, इसलिए आपको तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF, यस, ठीक है, टू एनेबल हार्मोनियस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए हमेशा ही अर्थ आर से एसोसिएटेड। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है अर्थ आर पे एनसीईआरटी, सॉरी आपके यूपीएससी में एक बार प्रीलिम्स में, ठीक है। इट इज टू टेक अ ग्लोबल कॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, इट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक घंटा 8:30 to 9:30 जिस पर्टिकुलर दिन ये मनाया जाता है तब लाइट्स आर टर्नड ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी सेविंग, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। सो दैट आप तीनों पॉइंट याद रखो, द आंसर हैज बीन केप्ट ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आप अपने मैप्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कर रहे हो, राइट। सो लास्ट वीक मैंने आपको एक मैप दिया था करने के लिए, इफ़ यू डोंट रिमेंबर यू कैन गो बैक टू द लेक्चर एंड चेक आउट। आई होप आपने वो मैप कर लिया है, एंड अगर आपको उसमें कोई डाउट्स है यू कैन ऑलवेज मेल अस एट sleepy.classes@gmail.com। एंड जस्ट टू ऐड टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे वी ऑल्सो मैंशन कि फर्स्ट अर्थ आर कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था, दैट वॉज ऑब्जर्व्ड इन सिडनी, ठीक है। सो या दैट विल बी ऑल फॉर टुडे दोस्तों, ओके, सी ऑन मंडे, बाय बाय।